चैट जीपीटी ओपन एआई का जो सीईओ है वो भी एक लड़की बन गई है, वो इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाली बनी है, क्या कहते हो यार, वो क्यों बनी जा रहे हैं? आईटी का नहीं हो, अब आईटी के नहीं हो, इधर बात सुनो यार, आईटी वाले भाग रहे हैं यार, आईटी वाले इधर आओ यार, कंप्यूटर के मुझे ना फुल, मुझे मतलब कंप्यूटर में क्या क्या चीजें होती है उसके अपेरेंस बताओ, उसके पार्ट्स बताओ, क्या क्या लगा होता है कंप्यूटर में? कीबोर्ड होता है, माउस होता है, मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है, बस ये यही इसके होते हैं इसके। यार आप लोग भाग रहे हो, बात सुनो जरा, आप लोग भाग रहे हो, गलती आप लोग की नहीं है, तालीम ज्यादा जरूरी है। अच्छा कितनी जरूरी है? बहुत ज्यादा जरूरी है, फर्ज समझ ले, फर्ज समझ ले। अच्छा यही फर्ज आपने कितनी दफा अदा किया और आपकी एजुकेशन क्या है? मैंने 8 तक तालीम हासिल की है। अच्छा। और मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि जहाँ तक मुमकिन हो सके हर एक के साथ तालीम जैसी नेमत के साथ अल्लाह पाक हर एक को नवाजे। वो इसलिए क्योंकि उनके पास इतने अपॉर्चुनिटी हैं और हमारे पास नहीं है, हमारे पास अगर हैं भी सही तो हमें उतना ना कोई बताया जा रहा है, ना कोई हमें उसके बारे में इतनी मालूमात है, वो हमारे पास ताकतें मौजूद हैं। अच्छा क्या मुकाबला कर सकते हैं हिंदुस्तान का? हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ऐसे सबको यही लगता जा रहा है क्या मुकाबला नहीं कर सकते, नहीं करने के क्या, क्योंकि हमारे हुक्मरान मिले हुए हैं। चले आईटी के बच्चे हो तो मुझे बताओ एआई का मतलब क्या है? एआई का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो तो उसने बताया तो आपको पता लगा, मुझे लगता है कि अल्लाह ही हाफिज है हमारे स्कूलों का, हमारी यूनिवर्सिटीज का, तो इसीलिए हम पीछे हैं। चैट जीपीटी का क्या काम है, चैट जीपीटी का पता नहीं? एक आईटी में पढ़ने वाला बच्चा ये यहाँ से डिग्री भी ले लेगा, इसके खाली कागज होंगे इसके पास, इसको प्रैक्टिकल कुछ आता ही नहीं होगा, अगर बाहर किसी कंपनी में जाकर ये कहाँ से सीईओ लगेंगे इस तरह के एजुकेशन सिस्टम से निकलकर। यार उल्मा ने ये नहीं कहा कि आपने टीवी यूज नहीं करना है या आपने मोबाइल? हाँ भाई मैं आपको दिखा देता हूँ, वो तो कहते थे आपने तस्वीर भी नहीं खिंचवानी। उन्होंने कहा होगा ये गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करना, ये हमने गलत रंग ले भी इस्तेमाल करने के पीछे भी उन्होंने पाबंदी लगाई थी, वो कहते बड़ा मोबाइल तो रखना ही नहीं है आपने, छोटा बटनों वाला मोबाइल चलाओ। नहीं नहीं मैंने ऐसी ये बात तो नहीं, मैं आपको दिखा दूंगा, अभी दिखा दूंगा, यूट्यूब पर बयान बड़े में बड़े बड़े मौलवी। यार यूट्यूब पे हर आदमी बयान कर सकता है, आप भी बात डाल दे, बड़े मौलवी जिनको आप मानते हो वो जो बड़े वो कहते हमने किया ही नहीं है, फिर हम किस तरफ जाएंगे? तो वो वीडियो जो है वो झूठी है, झूठी हो सकती है। अबे यार क्या हो गया मौल साहब, अब फिर वही बातों पे आ गए। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक, आप बताएं? मैं भी ठीक। नाम आपका? मोहम्मद इकबाल। क्या करते हो? स्टडी। कौन सी क्लास में? क्लास SC IIT 2 सेकंड ईयर। मतलब कि आईटी पढ़ रहे हो? जी जी। जबरदस्त हो गया, आईटी का बंदा मिल गया। अब पूछते हैं कि यार दुनिया में हमारे यहाँ से गए हुए आईटी से पढ़े हुए बाहर जाके किसी भी कंपनी के सीईओ नहीं लग सकते, नहीं लगे अभी तक, लेकिन इंडियंस क्यों लगे हैं भाई? अभी की न्यूज़ आई है अभी की, चैट जीपीटी ओपन एआई का जो सीईओ है वो भी एक लड़की बन गई है, वो इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाली बनी है, क्या कहते हो यार, वो क्यों बनी जा रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि उनके पास इतने अपॉर्चुनिटी हैं और हमारे पास नहीं है, हमारे पास अगर हैं भी सही तो हमें उतना ना कोई बताया जा रहा है, ना कोई हमें उसके बारे में इतनी मालूमात है, क्योंकि हमारे खुद के हुक्मरान कुछ इस तरह हैं कि ना वो कुछ हमारे लिए कुछ करते हैं और ना कुछ हमें करने की कुछ सलाहियत देते हैं। अच्छा जी, आप क्या समझते हो कि क्या हम एजुकेशन में इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते। अच्छा। वो भी हमारी तरह इंसान है, हम भी इंसान हैं, क्यों नहीं कर सकते। आप क्या कहते हो एजुकेशन सेक्टर में क्या हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, देखो माइंड है ना, माइंड सेट है, अगर अभी तक क्यों नहीं किया इतना माइंड सेट और माइंड से तो कोशिश करें ना, हम कोशिश नहीं करते, हम बस अल्लाह पर छोड़ देते हैं कि ये बस हो जाए, हम कोशिश नहीं करते किसी चीज़ को पाने के लिए। देखें कोशिश ये हार्ड वर्क है जो हमें मतलब कोई चीज़ अचीव करने के लिए आगे बढ़ाता है। गूगल का सीईओ कौन है पता? नहीं। आपको पता? शायद इंडिया का है, नाम पता नहीं, इंडिया का है, अमित पिचोई शायद उसे कोई ना, सुंदर पिचाई ऐसे ही है। अच्छा। वो एक शायद किसी, मैंने सुना था इसका लेकिन अभी याद नहीं आ रहा, वो उसका ताल्लुक भी मैंने सुना था, इंडिया से ही है। तो अच्छा। सुंदर पिचाई गूगल का, उसके बाद यूट्यूब का नहीं, वर्ल्ड बैंक का नहीं, वर्ल्ड बैंक का सीईओ किधर से? नहीं उसका नहीं पता। यूके का प्राइम मिनिस्टर पता कौन है? इंडिया का यूके का प्राइम मिनिस्टर अभी आपसे सुना है, इंडिया का। मैंने बोला था ना, मेरे बोलने से इससे पहले इनके टीचरों ने स्कूल में यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाते? नहीं, बाहर की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते? नहीं देते, रट्टा पढ़ाते जो हमारे सिलेबस में वही पढ़ाते। आपको लगता है कि जिस तरह के हमारी एजुकेशन है, चलें आईटी के बच्चे हो तो मुझे बताओ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फुल फॉर्म क्या होती है और इसका मतलब क्या है? मैं आईटी का नहीं हूँ, मैं BA LLB हूँ। जी जी, आईटी एआई का मतलब क्या है? एआई का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो तो उसने
उसने बताया तो आपको पता लगा, मुझे लगता है कि अल्लाह ही हाफिज है हमारे स्कूलों का, हमारी यूनिवर्सिटीज का, तो इसीलिए हम पीछे हैं। चैट जीपीटी का क्या काम है, चैट जीपीटी का पता नहीं? नहीं, क्वेश्चन ना आता वो पुट करें तो पीछे आंसर आता है, मतलब तो ये नहीं है। चैट जीपीटी वही है जो मतलब आईटी के स्टूडेंट जी जी वो जो भी हमें मतलब कोई चीज़ हमें ज़रूरत होती है, किसी चीज़ की क्वेश्चन होती है तो हम चैट जीपी के जरिए हम उसको हाँ सजेशन लेनी चाहिए होती है तो हम उसको मतलब क्वेश्चन करते हैं, हमें आंसर देता है। अच्छा जी, मिल जाता है आंसर? जी जी मिल जाता है। अच्छा, तो आप मुझे बताओ कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है, फुल फॉर्म में कंप्यूटर क्या है, और कंप्यूटर कंप्यूटर को से हम कौन से काम लग सकते हैं? चले फिजिकली अपेयरेंस बता दो, कंप्यूटर में क्या क्या होता है? कंप्यूटर में हार्डवेयर होती है, सॉफ्टवेयर होता है। कंप्यूटर की डेफिनेशन है कि मतलब ये एक इलेक्ट्रॉनिक आला है, एक डिवाइस है, डिवाइस। उसके पार्ट्स बताओ, पार्ट्स में क्या क्या होता है? सीपीयू है, कीबोर्ड है, सब चीज़ इसमें आती है। माउस, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, स्क्रीन मतलब एलईडी वगैरह ये वो सब उसमें। ये तो बताया, मैं आईटी का नहीं हूँ। अब आईटी के नहीं, इधर बात सुनो यार, आईटी वाले भाग रहे हैं यार, आईटी वाले इधर आओ यार। कंप्यूटर की मुझे ना फुल, मुझे मतलब कंप्यूटर में क्या क्या चीजें होती हैं, उसके अपीयरेंस बताओ, उसके पार्ट्स बताओ, क्या क्या लगा होता है कंप्यूटर में? कीबोर्ड होता है, माउस होता है, मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है, बस ये यही इसके होते हैं। इसके आप लोग भाग रहे हो, बात सुनो जरा, आप लोग भाग रहे हो, गलती आप लोग की नहीं है, इधर आओ जरा। और यार एजुकेशन सिस्टम में फॉल्ट है। अब जो आप मुझे कंप्यूटर की जो वो बता रहे हो, फिजिकल अपेयरेंस बता रहे हो, ये 1960 से पहले की है। अभी के जो कंप्यूटर है वो लैपटॉप है, लैपटॉप के अंदर आप जैसे एलईडी मिलेगी आपको, कीपैड मिलेगा, वो भी उसका फिजिकली लगा होता है। अब जो मॉनिटर बता रहे हो, मॉनिटर को खत्म हुए कितना टाइम हुआ? मालूम नहीं, हम तो अभी आए हैं ना, मॉनिटर तो नहीं ना अभी, हम तो अभी आए हैं ना। हाँ जी, अभी आए हैं, लेवल से पढ़े हैं तो मुझे अंदाजा हो रहा है। इस चीज का अगर पता नहीं है तो आप इनके थोड़ा बहुत इस पे रोशनी डाल। हमारे यूनिवर्सिटी, हमारे स्कूल्स में अब भी हमें मॉनिटर के बारे में बताया जाता, सीपीयू भी उठाकर उन्होंने उसके अंदर इतना सा कर दिया। चीज होता है पहले तो वही हमें बताएंगे ना, बेसिक चीज है, बेसिक है ना, अगर इसके बहुत से बेसिक पार्ट है अगर वही तो हमें पढ़ा रहे ना अभी तक। अभी तक जो है हम उस लैपटॉप के लेवल पे नहीं पहुंचे, अगर लैपटॉप के लेवल पे पहुंच जाते तो हम आज न्यू जनरेट कर भी लेते। यही चीज, अगर आपको इसके बारे में कोई और इल्म है तो हमें इस पे रोशनी डालें। गाइस, आप लोग अंदाजा लगाएं कि हमारी यूनिवर्सिटीज में एक आईटी में पढ़ने वाला बच्चा ये यहाँ से डिग्री भी ले लेगा, इसकी खाली कागज होंगे इसके पास, इसको प्रैक्टिकल कुछ आता ही नहीं होगा। अगर बाहर किसी कंपनी में जाकर ये कहाँ से सीईओ लगेंगे, इस तरह के एजुकेशन सिस्टम से निकलकर जहाँ पर हमें कंप्यूटर की डेफिनेशन ही पढ़ाई जाती है, मॉनिटर, कीपैड और वो उसका सीपीयू, माउस, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, तो ये चीज़ें ख़त्म होकर अब लैपटॉप की शेप पर, लैपटॉप से भी आगे बढ़कर मोबाइल आ गए जो जेब में भी रखते हैं अपने। तो यार इन चीज़ों के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है। हम तो यहाँ पर अभी हम कह रहे थे कि भाई इंडिया का मुकाबला करेंगे, आपको पता है वो अपने हर साल आईटी में कितना एक्सपोर्ट करके कितना कमाते हैं? $250 बिलियन कमाते हैं वो, $250 बिलियन आईटी एक्सपोर्ट करके। हम क्या कर रहे हैं? हमारे टोटल $5-6 बिलियन भी बड़ी मुश्किल आते हैं, और ये $5-6 बिलियन को लेके हम समझते हैं कि हमने जंग फतह कर ली, हम सबको मुल्कों को पीछे छोड़ देंगे, क्या पॉसिबल है वकील साहब? इम्पॉसिबल नहीं ना, पॉसिबल नहीं, पॉसिबल। क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में? इम्प्रूवमेंट ये होनी चाहिए कि बच्चे को स्लाइड पढ़ाने के बजाय उसको प्रैक्टिकल कराएं, सही है, फिर जो है ना वो दिमाग में जल्दी बैठ जाएगा कि ये कैसे है, क्या है, ये क्या काम करता है। अभी हमें स्लाइड्स पर ये देखो ये ऐसा ऐसा है तो ये उस टाइम हमें समझ आएगा, बाद में हमारा दिमाग घूम जाएगा कि अभी ये सर ने क्यों पढ़ा था। अगर हमें वही चीज प्रैक्टिकली करवाएंगे तभी हम सीख पाएंगे। कुछ कहना चाहेंगे आखिर में? क्या हमारे हुक्मरानी चोर हम क्या कह सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं क्या नाम आपका? जी जी मैं भी जबरदस्त। नाम आपका? जुबैर हुसैन। जुबैर हुसैन साहब मुझे एक बात बताएं, तालीम ज्यादा जरूरी है या फिर उसके अलावा कुछ और करना जरूरी है? तालीम ज्यादा जरूरी है। अच्छा, कितनी जरूरी है? बहुत ज्यादा जरूरी है, फर्ज समझ लें। फर्ज समझ लें, अच्छा यही फर्ज आपने कितनी दफा अदा किया, और आपकी एजुकेशन क्या है? मैंने 8 तक तालीम हासिल की है। अच्छा। और मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि जहाँ तक मुमकिन हो सके हर एक के साथ तालीम जैसी नेमत के साथ अल्लाह पाक हर एक को नवाजे। अच्छा। और मैं अपनी भी पूरी कोशिश करता हूँ कि जहाँ तक मुझे मौका मिले तो मैं इसको जारी रख सकूँ इंशाल्लाह। डन हो गया, ज़बरदस्त हो गया। अगर मैं आज कंपैरिजन करूँ हमारे दुश्मन मुल्क का, जिसका हम नाम भी नहीं लेना पसंद करते, क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम अच्छा है या उनका एजुकेशन सिस्टम अच्छा है? उनका अच्छा है, हमारा अच्छा नहीं है। अच्छा, उनका कौन सी ऐसी चीज़ें जो उनको अच्छा बनाती हैं? उनकी हुक्मरानों का किरदार है, उनके लोगों का किरदार है जो उनको अच्छा बनाती हैं।
हमारे यहाँ ये ऐसा किरदार नहीं है, हम लोगों को पैसा चाहिए, तालीम नहीं चाहिए। अच्छा। हमने आज जितने भी ये प्राइवेट इदारे हैं, तालीमी इदारे, इन्होंने अपना कारोबार बनाया हुआ है, तालीम के लिए नहीं बैठे हुए, ये अपना कारोबार चमकाने के लिए बैठे हुए हैं। अच्छा, तो आज अगर मैं बात करूँ आपको, दुनिया के बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज हैं उनके सीईओ इंडियन क्यों हैं? ये वो पढ़े लिखे हुए हैं, उनके लोगों का किरदार है, उनके घर वालों का किरदार है। सबसे पहले कि वो वहाँ पे मेरिट पे काम होते हैं, हमारे यहाँ किसी भी इदारे में चले जाएं मेरिट पे काम नहीं होता है, सिफारिश पे काम होता है, पैसों पे काम होता है। अच्छा। इसलिए हमारी उन्होंने तो अपना निज़ाम ठीक किया ना, हमने तो उनसे अलादगी इसलिए ली थी कि भाई हम ज़्यादा तरक्की करेंगे, आपसे अच्छे कौम है हम, तो यहाँ पर तो हम तो ये क्या हो रहा हमारे साथ, हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है, इस जुल्म के खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन हम हमारे हुक्मरान कर रहे हैं या हम खुद जिम्मेदार हैं अपने जुल्म के? हम खुद भी जिम्मेदार हैं और हुक्मरान भी जिम्मेदार हैं, दोनों जिम्मेदार हैं। गलती एक तरफ से नहीं होती, गलती दोनों तरफ से होती है। तो वो तो हम तो कहते हैं कि इंडिया से जंग करेंगे, उनका मुकाबला करेंगे, तो तालीम नहीं होगी जिस कौम में, वो तो खुद अपनी मौत नहीं मरेगी? जिस चीज़ का मुकाबला करना चाहिए उसकी हमारे पास ताकत नहीं है, और जिसका मुकाबला करना चाहते हैं वो हमारे पास ताकतें मौजूद हैं। अच्छा, क्या मुकाबला कर सकते हैं हिंदुस्तान का? हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ऐसे सबको यही लगता जा रहा है कि मुकाबला नहीं कर सकते, नहीं करने के क्या, क्योंकि हमारे हुक्मरान मिले हुए हैं, गुलाम है, आज़ाद कौम नहीं है ये गुलाम कौम है। वो आज़ाद है, वो आज़ाद है, वो अपना फैसले खुद कर सकते हैं। हम अमेरिका के गुलाम हैं, हमें पहले उनसे पूछना पड़ता है, फिर हम आगे फैसला लेते हैं। सही हो गया, क्या कहेंगे फुल एंड फाइनल में, कैसे बेहतर कर सकते हैं अपने निज़ाम को, अपने मुल्क को तरक्की की तरफ कैसे लेके जा सकते हैं, कौन सी ऐसी अवामिल है जिसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है? सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगा कि हमें अपने उलमा को साथ लेके चलना चाहिए। अच्छा। इस वक्त कौम की सबसे बड़ी जो ज़रूरत है ना वो उलमा इकराम है। अच्छा, उलमा इकराम की बात अगर आपने की तो मैं थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगा इन चीज़ों पर। उलमा इकराम तो पहले कहते थे कि भाई मोबाइल नहीं यूज़ करना, टीवी नहीं देखनी, वरना आप जहन्नुमी हो जाओगे। आपने मोबाइल को यूज़ नहीं करना, उसको यूज़ करोगे जहन्नुमी हो जाओगे। वही मोबाइल को इस्तेमाल करके, वही टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, वही इंटरनेट को यूज़ करके, वही कंप्यूटर को यूज़ करके आज इंडिया दुनिया की पांचवी बड़ी मईशत है। यार उलमा ने ये नहीं कहा कि आपने टीवी यूज़ नहीं करना है या आपने मोबाइल, भाई मैं आपको दिखा देता हूँ, वो तो कहते थे आपने तस्वीर भी नहीं खिंचवानी। उन्होंने कहा होगा ये गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करना, ये हमने गलत रंग ले भी इस्तेमाल करने के पीछे भी उन्होंने पाबंदी लगाई थी। वो कहते बड़ा मोबाइल तो रखना ही नहीं है आपने, छोटा बटनों वाला मोबाइल चलाओ। नहीं नहीं, मैंने ऐसी ये बात तो नहीं, मैं आपको दिखा दूंगा, अभी दिखा दूंगा यूट्यूब पर बयान बड़े में बड़े बड़े मौलवी। यार यूट्यूब पे हर आदमी बयान कर सकता है, आप भी बात डाल दे, बड़े मौलवी जिनको आप मानते हो वो जो बड़े वो कहते हैं हमने किया ही नहीं है, फिर हम किस तरफ जाएंगे? तो वो वीडियो जो है वो झूठी है, झूठी हो सकती है। अबे यार क्या हो गया मौलवी साहब, अब फिर वही बातों पे आ गए, दे ले हम घूम फिर के वही आ जाते हैं, जो वो करते हैं आप उनको तस्लीम क्यों नहीं करते? यार जो बातें तस्लीम करने वाली वो हम करते हैं, जो तो मुझे एक बात बताएं, नहीं वो कैसे आप, कर ले? आपने ये जो बातें की आप बाद में ये कहोगे कि मैंने ये बातें की नहीं है? जो मैंने की है वो मैं कह रहा हूँ, मैंने की है, शरियाम कह रहा हूँ। तो वो बातें वो रिकॉर्ड भी हो चुकी है आपके पास, वो बातें तो वो कहते हैं भाई हमने की है, फिर आप उनकी मैंने आज तक किसी मौलवी से सुना कि उन्होंने कहा कि मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन वो हाँ वो कहते फहाशी ना देखो मोबाइल के ऊपर, मोबाइल बंदों के पास चला जाऊंगा। एक मिनट आना यार इधर, आपने पहले सुना था कि नहीं सुना था कि किसी अपने बड़े से सुना हो? थोड़ा कैमरे की तरफ देखे सामने, थोड़ा इस तरफ आ जाए, इस तरफ आ जाए। आपने ये बात सुनी थी अपने बड़ों से कि मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना, तस्वीर भी नहीं खिंचवानी, तस्वीर खिंचवाओगे तो भी गुमराह हो जाओगे, सुनी है कि नहीं सुनी? वो बड़े यही कहते थे कि भाई मोबाइल गलत यूज ना करो। अब ये मेरे पास ये मोबाइल है ना, नहीं मोबाइल यूज करने के खिलाफ ही है, इसको भी मोबाइल यूज करने के खिलाफ कोई भी नहीं है, मोबाइल का गलत इस्तेमाल करने के खिलाफ जरूर होंगे। अभी नहीं हुए भाई, मेरे पास मैं दलील से बात कर रहा हूँ, ये मोबाइल मेरे पास है ना, ये मेरा मैं जिस किसको तो आपकी अभी सोच बनी है ना भाई, अभी सोच बनी है आपकी। यार ये देखें सोच जो होती है, वरना वीडियो निकाल के दिखा दूंगा आपको, आपको मैं वीडियो निकाल के दिखा दूंगा। सुने तरबियत जो होती है ना बच्चे के घर से होती है, ठीक है, उसके बाद जब बच्चा बाहर के माहौल में जाता है वो कहते हैं जैसी बैठ वैसी सोबत, अगर हम बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो हम भी बुरे हो जाएंगे, अगर हम अच्छे लोगों की इस बात को मान ले कि हमारे मौलवी साहब ने ये कही है बात, तस्वीर भी नहीं खिंचवानी। मौलवियों का क्या कसूर है, एक बेलोस हमारी खिदमत कर रहे हैं। ओ भाई मैं खिदमत की तो बात ही नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है मोबाइल फोन की। तो पहले उन्होंने कहा कि मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करना, गुमराह हो जाके तस्वीर नहीं खिंचवानी। आप ये बात बताएं कि ज्यादा तस्वीर खिंचवाना, ये आपने कहीं सुना या नहीं सुना कि ज्यादा तस्वीरें भी खिंचवाना? खिंचवाने के भी अलग अलग मसाइल है जो हमें मालूम नहीं है, तस्वीर नहीं खिंचवानी। नहीं, इसके लिए अलग अलग मसाइल है, नबी की हदीस है किसी घर में कुत्ता या तस्वीर हो वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं आते।
ठीक है अभी ना? अभी के जो मौजूदा सिनेरियोस देखते हैं आप, एक मूवी बनती है तो वो बहुत सारी तस्वीरों का मजमुआ होती है जो कि हमें चलते हुए नजर आ रही है। यार तस्वीर बनाना और चीज है, तस्वीर खिंचवाना और चीज है, हर एक चीज के अलग अलग मसाइल है। अच्छा। तो इसके लिए अलग अलग मौलवी साहब अपनी राय पेश करेंगे शरीयत के मुताबिक। चले गाइस, आपने हमारी ये जो उनसे हमारे जो बीच में डिबेट हुई इससे आप क्या कंक्लूजन निकालते हैं जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी के साथ मुझे दे इजाजत, थैंक यू सो मच मौलवी साहब, अच्छा लगा बात करके आपसे, थैंक यू यार। बहुत ओपन एआई या चैट जीपीटी के बारे में पता? ओपन एआई एआई नहीं, चैट जीपीटी नहीं पता है? चैट जीपीटी बेसिकली ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप हेल्प ले सकते हो विदाउट एनी नॉलेज, किसी भी चीज़ के बारे में आपने कोई डेटा चाहिए हो आप उसको क्लू देते हो और वो आपको बदले में आपको उसके बारे में मतलब एक ग्रेट नॉलेज दे देता है। जबरदस्त यार, पाकिस्तानी बंदा पढ़ा लिखा है। बात अभी हम कर रहे हैं ओपन एआई के बारे में, गूगल का सीईओ कौन है? सीईओ पता नहीं, मतलब कौन से रीजन से है नहीं पता, नहीं पता। अच्छा माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ? नहीं पता। अब आप ज्यादा टेक्निकल चीजों में जा रहे हैं। मैं यही पूछने, मेरा मकसद यही है पूछ बात करने का। अच्छा एआई का ये कौन सा चैट जीपीटी का सीईओ कौन है नहीं पता ना आपको? नहीं। गूगल का सीईओ, चैट जीपीटी का सीईओ, उसके बाद यूट्यूब का सीईओ, ट्विटर का सीईओ, उसके बाद अगर मैं 90 तक जाऊँ तो सारे के सारे सीईओ भाई इंडियन है। अभी चैट जीपीटी का सीईओ भी एक इंडियन लड़की बन गई है, ताज़ा ताज़ा खबर आई है, क्या कहना चाहेंगे? वहीं हर एक कंपनी के सीईओ बनते जा रहे हैं, हमें क्या हो गया? हमारे पढ़े लिखे यहाँ से एजुकेशन हासिल करके हम क्यों सीईओ नहीं बन सकते, सीईओ क्यों नहीं बन सकते? क्या वो हमसे ज़्यादा अच्छी तालीम लेते हैं इधर इंडिया में? मे भी हो सकता है क्योंकि हमारे कोर्सेज कुछ इस तरह के हैं कि हम लोग बहुत बैक पे हैं। अभी जो आजकल हम लोग केमिस्ट्री वगैरह में हिस्ट्रीज पढ़ रहे हैं वो 90s या 18s की है, ठीक है? तो मे भी उनको फ्रेश नॉलेज दिया जाता हो। अब हमें, मुझे जैसे आपने ये क्वेश्चन किया, मुझे नहीं पता था, क्यों पता नहीं था, मुझे किसी ने बताया नहीं है, कहीं मैंने पढ़ा नहीं है, अगर मैं पढ़ लेता तो मैं आपको अच्छे जवाब देता। अच्छा सुंदर पिचाई है, थोड़ा मेरे नज़दीक आज के सामने देखिएगा, ऑडियंस ने आपको देखना। सुंदर पिचाई है गूगल के सीईओ, और गूगल एक बहुत बड़ी कंपनी यार, दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, और उसका सीईओ होना इंडियंस के लिए कितनी प्राइड की बात है। ऋषि सुनक यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, यूके का पता है ना, यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर भी एक इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले हैं। यार वो बाहर जाकर इंडियंस क्यों इतने अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, क्या हम नहीं कर सकते? हमारे में क्या ऐसी पढ़ाई में, हमारी पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं है जो हम बाहर जाकर हम गायब हो जाते हैं, हम सिर्फ जाकर मजदूरी करते हैं या कुछ और छोटी मोटी जॉब करते हैं, हमारे क्यों नहीं सीईओ बनते? क्योंकि अब हम लोग ना ज़्यादा जो पाकिस्तानी आवाम है वो ट्रेंड को फोकस करती है कि ट्रेंड में क्या चीज़ चल रही है, वो ये नहीं देखते कि हमारा बैक क्या है, हम लोगों ने करना क्या है, अपने गोल्स को नहीं देखते, बस एक ट्रेंड के पीछे लगे हुए हैं, उसी चीज़ को अवेयर करते हैं और उसी के पीछे निकले हुए हैं। अच्छा। मेन चीज़ ये है। तो क्या इन चीज़ों का हल है? इन चीज़ों का हल मैं, आप या कोई तीसरा बंदा तो नहीं कर सकता, ये तो एक बिगेस्ट लेवल पे यही है कि आपको अवेयरनेस दिए जाए, नॉलेज दिया जाए, बच्चों को बताया जाए कि आपने अगर ये करना है, आपका इंटरेस्ट ये है तो ये करें। लेकिन हम लोगों पे चीज़ें, कोर्सेज, बर्डन, सब्जेक्ट्स एक तरह मुसल्लत कर दिए जाते हैं, तो वहीं से हम लोग बस डिप्रेशन और पीछे 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 पीछे, हमें पता ही नहीं होता हमने करना क्या, गोल्स हमारे कुछ और होते हैं लेकिन हम जा किसी और डायरेक्शन में रहे होते हैं। पाकिस्तान में करते हो जी काम, जॉब जो भी? हाँ जी। अच्छा क्या लगता है कि एजुकेशन सेक्टर के अंदर जिस तरह से वो सीईओ बनते जा रहे हैं, इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं एजुकेशन सेक्टर में? भाई करने में बंदा किस काम में पीछे रह सकता है, करने से हर काम ही हो सकता है, लेकिन पहले तो ये कि आपको पता करते नहीं, कोई टैलेंटेड है ना उसको हम आगे आने नहीं देते, आपको पता है। टैलेंट तो रुकता नहीं है यार, टैलेंट हो तो आगे आ ही जाता भाई, इस बात को छोड़ दें। यूट्यूब है दुनिया की बड़ी, सबसे बड़ा सर्च इंजन है, फेसबुक है, आपको जितनी भी आपके अंदर कोई टैलेंट बना के भेजो उठा लेंगी दुनिया आपको। हाँ दुनिया बाद में उठाएगी, अपने पहले उठा लेंगे, ये भी तो आपको पता है ना है कि नहीं? अभी रिसेंटली आपने सुना था बंदे ने वो पानी पे गाड़ी चला दी और वो बंदा ही गायब हो गया ना, वो गाड़ी दोबारा ना मार्केट नहीं गायब होते भाई, वो सीईओस बनते हैं जाकर वो गायब नहीं होते यार। भाई जहाँ पे ईमानदार होंगे, जहाँ पे हुक्मरान आपको बहुत अच्छे मिलेंगे ना, वहाँ सारे मसले ही ठीक है। उधर हुक्मरान अच्छे हैं, वहाँ पे होगी करप्शन लेकिन किसी हद तक, अनलिमिटेड नहीं है, वहाँ पे लॉज हैं, वहाँ पे रूल्स हैं, सब कुछ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आप मालदार हो तो आप ही सीईओ हो, आप ही चीफ मिनिस्टर हो, आप ही सब कुछ हो, है कि नहीं? अब हमारे पास कुछ नियम है, होने के टैलेंट इतना मर्जी हो कर कुछ नहीं सकते, कुछ कर सकते हैं कुछ भी नहीं कर सकते, आपको पता है क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, इसके आगे हम इस पर क्या मजीद कह सकते हैं। एग्री करते हैं? हाँ जी बिल्कुल 100% एग्री करते हैं। मोए मोए।